यीशु मैं तेरे घर को आना चाहता हूँ। अब मुझे लगा कि दो कमरे वाले घर में गुरु जी को कहाँ ले आऊँ और कहाँ बिठाऊँ, कहाँ पूजा करूँ, मेरे से होने वाली बात नहीं है। गुरु जी को कैसा कहूँ कि मत भी आओ, नहीं आओ ऐसा भी नहीं कह सकते, और आया भी आ जाओ तो कैसे इंतजाम कर सकते हैं, ये बात दिल में खटकती रही। तो गुरु जी ने कहा, अरे सब लोग मुझे बुलाते हैं घर में आने के लिए, तुझे मैं आता हूँ कह रहा हूँ तो तू जब मुझे ले नहीं जा रहा है। नहीं गुरु जी, ले जाऊँगा। तो मैं बाद में वासुदेव पांडे जी रहते थे, मैंने कहा प्रभु एक बार गुरु जी को बहुत छोटा घर है, गुरु जी को बिठा के उतना सारा इंतजाम नहीं कर सकता, कैसे गुरु जी को समझाऊँ, गुरु जी तो आने की बात कह रहे हैं। वह बात गुरु जी के कानों तक पहुँच गई। गुरु जी ने कहा जोशी दीदरा, मैं गया, मैं एक बात तुम्हें कहता हूँ, मेरे पूरे जीवन में मैं गुरु जी के साथ रहा लेकिन कभी शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरु जी के पास नहीं गया। मैं केवल साधनाएं करता रहा, पत्रिकाओं में आती हुई और गुरु जी ने शिविर में जो दी है वही साधनाएं करता रहा, कभी शक्तिपात दीक्षा नहीं लिया। लेकिन गुरु जी ने जब बुलाया जोशी दीदरा और गुरु जी ने मेरे माथे पर पहली बार बुलाकर शक्तिपात दीक्षा दी और कहा जोशी इस बार याद रख, जब तेरा पर्सनल घर होगा तभी मैं आऊँगा तेरे घर को। और मेरे को उस समय में उस खुशी का आनंद रहा, क्योंकि गुरु जी ने समझ गया था कि मेरी भावना क्या थी। बाद में गुरु कृपा से घर हुआ, लेकिन घर होने से पहले मेरा एक चिंतन था, मैंने गुरु जी के सामने रखा। गुरु जी मैं तो दो कमरे में लेकर साधना करते हुए, बच्चे छोटे छोटे हैं चल रहा है, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे, साधना करने के लिए स्थल चाहिए, और बहुत सारे लोग गुरु जी मुझे मिलने आते हैं कि जोशी तुम्हारे साथ ही साधना करेंगे, और मैं उन्हें श्रीशैलम के जंगलों में या किसी मंदिर में इस तरह लेके जाकर साधना करता हूँ। मेरी इच्छा है कि गुरु जी एक साधना स्थल हो। अब हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर वाला कहता है कि भाई अभी ये मंदिर बंद हो रहा है, भाई जल्दी करो, और हमारी सारी साधनाएँ रात में करने वाली साधनाएँ, रात में साधना करने बैठे तो लोग अपनी अपनी तरह से कुछ भी बोलते हैं, लोग तांत्रिक है साधना करते हैं, तो हम साधना करें तो कहाँ करें, किस तरह करें। तब मैंने पहली बार गुरु जी से प्रार्थना की थी कि गुरु जी एक मैं साधना स्थली बनना चाहता हूँ, जहाँ दिन रात कोई भी किसी भी तरह साधना कर सके, ऐसी साधना स्थली करने के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। 1996 में तीसरी बार जब गुरु जी हैदराबाद आए थे शिविर, तो मैंने श्रीशैलम के जंगलों से श्रीशैलम से 20 किलोमीटर दूर पर और हैदराबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर 21 एकड़ की जमीन ली और मैंने वहाँ साधना स्थल बांधने का निश्चय किया। वो मैप मैं गुरु जी के पास ले गया और गुरु जी को कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि यहाँ साधना स्थल ही बने, कोई भी साधक आए यहाँ आकर साधना फ्री से कर सके, जो भी इच्छा हो, कपाल साधना हो, भूत साधना हो, विशाल साधना हो, लक्ष्मी साधना हो, कोई भी साधना हो, वो यहाँ आकर साधना कर सके, रात में हो दिन में हो, मुझे कोई किसी प्रकार का बंधन ना हो, ऐसी स्थली बांधना चाहता हूँ। गुरु जी ने आशीर्वाद किया, प्रदान किया, मैंने वो जमीन ले भी ली और साधना करने ली। तो बाद में मुझे प्रश्न हुआ कि अब यहाँ इतने गुरु जी बार बार कहा करते थे कि जोशी श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन के जंगल में संजीवनी कुटी है, वहाँ तेरियाखंड भी है और वहाँ पारद विज्ञान का श्रेष्ठ साधना वहाँ हो सकती है, तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं जब वहाँ हूँ तो मैंने उसका नाम पारद विज्ञान, निखिल पारद विज्ञान केंद्र ऐसा रखा और 21 एकड़ जमीन मैंने ली। बाद में बहुत दिनों के बाद गुजरी गुरु जी का दूसरा तीसरा शिविर हुआ, गुरु पूर्णिमा शिविर हुआ, तो गुरु पूर्णिमा शिविर में बहुत सारे ऐसे ही लोग आए थे। मैं गुरु पूर्णिमा शिविर होने के बाद फिर उस 21 एकड़ में साधना करने के लिए लोगों को ले जा रहा था, तो एक महाशय थे वो आए और बोले गुरु जी उतनी दूर 100 किलोमीटर लेने में तुम्हें 40 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हें जगह दिला सकता हूँ, तुम वहाँ साधना स्थल ही बनाओ। पहले तो मैंने नकारा, भाई मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं दे नहीं सकता और उतना खरीद भी नहीं सकता। बोले गुरु जी आप धीमा धीमा लो या थोड़ा थोड़ा करके दो, लेकिन आप ले लो, साधना के लिए अच्छी जगह है। एक दिन देखने के लिए गए, मैंने फिर भी कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा ऐसा नहीं हो रही थी कि वहाँ मैं उतना पैसा मैं कहाँ से लाऊँ, कहाँ से बांधूँ और कहाँ से करूँ। तो बाद में मैंने गुरु जी से फ़ोन पे कहा कि गुरु जी एक जगह देखी है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ निखिल चेतना केंद्र को बांधूँ, ऐसी आपकी आपकी कृपा अगर हो तो ऐसा हो सकता है। गुरु जी हंसकर कहा जोशी तेरी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी, ऐसा गुरु जी ने कहा। मैं शायद समझता हूँ 1993 या 94 पानीपत के गुरु पूर्णिमा शिविर में गया था और गुरु जी से आशीर्वाद मैंने मांगा था और तभी मैंने गुरु जी से गुरु पादुकाएं भी ली थी जो चांदी की बनी हुई थी, गुरु जी ने दी। और उसके बाद मैंने ये जगह की पहले झोपड़ी बांधा छोटी सी, और झोपड़ी में
एक दो चार साधक रहा करते थे जो मिलने में थे, वो लोग रहा करते थे हमारे आपके पास यहाँ है हमारी मंदिर का ही पहले वहाँ उस जंगल में ओझा जी के साथ जो बल्लाशाह के रहने वाले थे वहाँ जंगल में रहकर उन्होंने पहले झोपड़ी में रहकर हमारा निखिल चेतना केंद्र का आगमन या प्रयाण आरंभ हुआ। उसके बाद धीमा धीमा जो बढ़ता गया आज का आज के निखिल चेतना केंद्र को आप जानते हैं और गुरु कृपा से आज प्रभु सदगुरुदेव जी का संगमरमर का मंदिर भी दशमा विद्याओं के साथ बांधने के लिए संकल्प है और आधा मंदिर भी हो गया। दशमा विद्याओं के साथ संगमरमर का गुरु जी का मंदिर आधे आधे तक हो गया है और बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पहले से भी कथन यही नाम है, आपको ये बात सबको क्यों समझा रहा हूँ कि मैंने यह सारा केवल साधना के बल पर किया है, केवल और केवल साधना के बल पर मैं आगे चलता हूँ और जो भी कार्य करता हूँ, जो भी आपका एक एक पैसा मैं क्या आश्रम में क्या बांधूँ क्या नहीं इसके लिए खर्च करता हूँ। और वैसा आप चाहे तो आज 40 साल हो गए एक समय भोजन करता हूँ और एक समय कुछ ना कुछ ऐसा ही खाता हूँ। इसका अर्थ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मेरे लिए मैंने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि गुरु जी गुरु कार्य के लिए हो। और साधना के बल पर हम असाध्य हो असाध्य से असाध्य कार्य और असंभव से असंभव कार्य भी कर सकते हैं। उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन साधना निष्ठा के साथ और गुरु जी को विश्वास करते हुए करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, देख भी रहा हूँ और लोग मेरे पास आते भी हैं, ये कहते हुए आते हैं कि गुरु जी हमने बहुत साधनाएँ संपन्न की हैं। थोड़े छत्तीसगढ़ के साधक मेरे पास आए थे बहुत दिनों पीछे, गुरु जी हम 8 साल से हवन कर रहे हैं, 8 साल से हवन गुरु मंत्र का, इसका क्या करें मुझे पता नहीं, 8 साल से हम कर रहे हैं। तिल लकड़ी हवन बोले तो तिल लकड़ी घी ये तो चाहिए चाहिए, जो भी सफ़ेद राई हो चाहिए। 8 साल से का मतलब क्या होता है, जब उस हवन का विषय आरंभ हुआ था तो उन्होंने कहा करते थे कि हम हवन के लिए 3 से 4 हज़ार लोग आते थे गुरु जी, और आखिर में आज ये स्थिति है कि मैं अकेला और 2-3 साधक गुरु भाई हम हवन का कार्यक्रम करते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे में क्या गलती हुई ये कार्य ऐसा कार्य हो रहा है। जिस साधना के बल पर मैं आज मैं आपके सामने बैठा हूँ आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा एक चिंतन हर दम हर क्षण बना रहता है। जो भी साधक आए उसको पहले मैं ये बात नहीं हुई तुम्हें शिविर के लिए इतना पैसा देना है, तुम्हें इसके लिए इतना पैसा देना है, मैं तुम्हें कहता तुम केवल निखिल चेतना केंद्र आ जाओ, एक बार निखिल चेतना केंद्र में कदम रख गए तुम्हारा खाना पीना रहना साधना करना सब मेरी जिम्मेदारी, एक पैसा भी तुम्हारा खर्च होने नहीं दूंगा, तुम उस खाने पीने की चिंता केवल साधना करो, साधना करने के लिए आओ। अब थोड़े लोग ये भी कहते हैं गुरु जी हम साधना के लिए आए साधना करें हैं हम इसी, मैं बोला मैं साधना मैं किया हूँ नहीं ना, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के मंत्र तंत्र नेत्र विज्ञान की पुस्तक से ही हम साधना संपन्न करें, वो साधना परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ही कही है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने जब साधना कही है तो साधना सिद्धि को प्राप्त करना है ना करना है आप पर निर्भर है, साधना स्थली आपको साधना करने के लिए बांधा हूँ इसलिए नहीं कि आपको सिद्धि प्रदान करने के लिए, सिद्धि प्रदान उस दिन होगी जिस दिन आप गुरु के प्रति निष्ठावान हो गुरु के प्रति गुरु सेवा करते। मैं हर बार ये कहता हूँ मैं अगर जीता हूँ तो मैं रोज खाना खाता हूँ रहने के लिए देता हूँ, मुझे एसी चाहिए मुझे अच्छा घर चाहिए मुझे गाड़ी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मेरे गुरु जी को भी चाहिए। और हर क्षण कहीं भी जाता हूँ छत्तीसगढ़ आने दो या ब्रह्मपुरी मुझे कुछ विशेष लगा तो वहाँ के साधकों को कहता हूँ यार यार ये गुरु जी के लिए आश्रम के लिए अच्छा है इसे दे दो, ये बात मैं कहता हूँ क्योंकि मेरा चिंतन आश्रम के लिए बना हुआ है, आश्रम में आने वाले साधकों के लिए बना हुआ है, इसलिए कि वो एक सुंदर सा आश्रम बने और आने वाला साधक ये अनुभव करे कि हम यहाँ साधना करने के लिए आए हैं, हमें यहाँ तुच्छ रूप से दिखा जाता है तुच्छ रूप से किया जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए। वो साधना करना और साधना की भावना रखना ये बहुत ज़रूरी है, साधना करने की भावना आना भी ज़रूरी है, हम ऐसा साधना क्षेत्र बनाना चाहिए। और मुझसे जितना भी हो रहा है मैं बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिस साधना के बल पर अगर मैंने ये सब किया है तो मैं आपको भी चाहता हूँ कि पहले तो आपका घर संभालें, आपकी पत्नी आपका बच्चे आपके माता पिता आपके बंधुगण आपका गांव, आपका समाज, इसको देखने के बाद आप गुरु कार्य में आएँ।